मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 नवंबर 2023 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापू दादा बोले, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो, तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो, तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है, और उत्तर में बाबा समझाते कि जो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए भाई बहन, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता। जैसे लौकिक भाई बहन हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो भाई बहन हैं। समझाना पड़े, संन्यास भी दो प्रकार के हैं। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठ योग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है, ग्रस्त व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइस अलग है। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है, वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है, 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल हैं और कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी हैं, यह तो होगा। तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए, गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए, लॉ ऐसा कहता है। भाई बहन की आपस में कभी शादी हो ना सके, भाई बहन का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं कि इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है कि कहां से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इनों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती है नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है, तो जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है
कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी ना कर सके सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो ग्रस्त व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उनका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो परंतु इस जियोलॉजिकल ट्री का भी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी भाई बहन के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते और यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, भाई बहन ब्रह्म कुमार कुमारियां। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी हजार गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं, द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना? यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है, जैसे बेहद बाप की बुद्धि वैसे मुरब्बी बच्चों की। जो श्रीमत पर चलते हैं ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अजून कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी हो, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी, शिव है दादा, ब्रह्मा है बाबा, प्रजापिता तो एक हुआ ना सारी प्रजा का। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। तो न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना तो वह सबका रचयिता है। ऊंच ते ऊंच वह हुआ, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उसमें ऊंच किसको रखे? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर चर्क करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इसमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं ये मंजिल बड़ी भारी है। पहले से ही जो युगल है उनको समझाना पड़े कि हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं कि माया के तूफान बहुत आते हैं, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात, यह है ही स्वराज योग, इसमें भी संन्यास है।
ग्रस्त व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति पाएं। यह तो जीवन बंध है, तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा और तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा, तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु यह स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं और कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल है, वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं, हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। आत्मा इतना आत्म अभिमानी बनना है, हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है, देह अभिमान से ही भूले हो जाते हैं। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव, देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है, कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है, ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है, ग्रस्त व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है, सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है, गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं, माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबाकर एकदम खा ही जाती है। पाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं। इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यूमैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है, वहां तो खुशी के गाजे बाजे बजेंगे, वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, और यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यूमैन कोई पवित्र नहीं है, पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहें, क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वो थोड़े समझते हैं कि एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण, फिर वही पुराना मैन ब्रह्मा है, फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ड का न्यू मैन चाहिए, वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं, यह है सांवरा। यह न्यू मैन नहीं, वह श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुविनेट कर नए थे नया बनाते हैं, ये बड़ी समझने की बातें हैं। और अपनी अवस्था भी बनानी है, कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्र धारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी बने का नॉलेज नहीं है, पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं, ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वह हठ योग है और यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही।
सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है, माताओं पर कलश रखता हूँ तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः भगवान वाच। आवाज बुलंद निकलना चाहिए, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है हम आत्मा भाई भाई हैं, इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। और दूसरा पॉइंट है विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने आज वरदान दिया ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन है धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।